हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आप लोगों का एसए वन एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश ए, इंग्लिश कोर, आर्ट, साइंस और कॉमर्स के लिए। ठीक है, जिन्होंने भी कोर कोर्स सेलेक्ट किया है किस सब्जेक्ट का, इंग्लिश का क्लास 11 के लिए, उनका जो समेटिव असेसमेंट अभी हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हुआ 2-4 दिन पहले, उसी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है CMSOE जो स्कूल है, आदर्श मॉडल स्कूल हैं, उन लोगों के लिए ये एग्ज़ामिनेशन लिया गया था और आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें इसी पैटर्न पर आप लोगों को क्वेश्चंस रहने की संभावना है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिन्होंने ये पेपर अटैम्प्ट किया है, वे इस अपने आंसर से टैली भी कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ना है और उसके बाद फिर उसे बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के पैसेज में मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ते समय ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप लोगों को अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, जैसे इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय वो जो किसान था वो शुरू किया अपने घर से मार्केट। ठीक है, मार्केट से अपने घर की ओर। ठीक है, फ्रॉम मार्केट। दैट मॉर्निंग ही हैड गॉट अप विद द लार्क एंड कट फ्लावर्स, उसी समय वो सुबह उठा और फूलों वगैरह को काटा अपने गार्डन में से, किस लिए, मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, वो बहुत ही लकी था, किस लिए, फॉर एट लास्ट ही हैड सोल्ड देम ऑल, वो सारे फ्लावर्स बेच पाया। अब क्या हुआ, नाउ हिज बास्केट वॉज एम्प्टी, उसका बास्केट पूरा खाली हो गया था, बट हिज पर्स वॉज फुल, लेकिन पर्स पैसे से पूरा भरा हुआ था और उसका जो हार्ट था, देर वॉज हैप्पीनेस इन हिज हार्ट, उसके हृदय में क्या थी, खुशी थी। ठीक है, आफ्टरनून में शुरू किया घर जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही हैड स्पेंट ए पार्ट ऑफ हिज अर्निंग ऑन ए डक, काफ़ी समय वो बिताया, उसने एक बतख खरीदा अपने जो रुपए पैसे कमाए थे उससे, विच वॉज इन द बैक ऑफ हिज कार्ट, जो कि उसके कार्ट के पीछे में था, बट नाउ इट वॉज गोइंग डार्क, अब क्योंकि अंधेरा हो चला था, द पाथ वॉज हार्ड, रास्ता कठिन था, एंड हैड फार टू गो, बहुत दूर जाना था, साथ साथ में उसका जो कुत्ता था वो भी रास्ते पर चल रहा था और रास्ते में यदि कोई आ रहा था वो बीच बीच में भूख भी रहा था। ठीक है, अलार्मिंग साइन दे रहा था। तो इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, व्हाट डिड द फार्मर सेल इन द मार्केट, मार्केट में फार्मर क्या बेच रहा था, तो जाहिर सी बात है फ्लावर्स बेच रहा था, ऑप्शन बी। नंबर टू, व्हाट वॉज देयर इन हिज हार्ट आफ्टर सेलिंग एवरीथिंग, सब कुछ जब बिक्री हो गया तो उसके हृदय में क्या थी, खुशी थी। ठीक है, हृदय में खुशी थी और जो मनी था वो कहाँ था, पर्स में था, इसलिए वो नहीं होगा, हृदय की पूछ रहा है, हार्ट पूछ रहा है, तो क्या होगा, हैप्पीनेस। नेक्स्ट थर्ड नंबर, हाउ डिड द फार्मर स्पेंड हिज मनी, अपने रुपए को कैसे खर्च किया, तो अबाउट ए डक, उसने एक बतख खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज रनिंग अलॉन्ग द पाथ विद द फार्मर, ठीक है, उस किसान के साथ साथ रास्ते पर कौन दौड़ रहा था, तो हिज डॉग, उसका एक डॉगी था वो। नेक्स्ट 5 नंबर, When did the farmer started home from market? ठीक है, इस देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, किन्हीं किन्हीं ने जो है इवनिंग भी शुरू किया होगा। ठीक है, पैसेज में, लेकिन देखिएगा फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है कि आफ्टरनून में वो घर के लिए प्रस्थान करना शुरू किया मार्केट से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सी, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ये देखिएगा आप लोगों का राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो एब्रीविएशन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को, शॉर्ट फॉर्म दैट मीन्स कहने का मतलब, जैसे एम ए हो गया। ठीक है, तो एम ए का फुल फॉर्म क्या हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो इसी को एब्रीविएशन बोलते हैं। तो इस प्रकार का एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है आप लोगों का नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, या फिर नोट मेकिंग या आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर नोट मेकिंग। ठीक है, 7, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन जंबल्ड वर्ड्स, यहाँ देखिएगा ग्रामेटिकल एरर है, कुछ जो वर्ड्स हैं उनको जंबल किया गया है, अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं बनाया गया है, जैसे मैन्युफैक्चर्ड कार्स इंडिया इन मारुति आर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, मारुति कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये भी देखिएगा सेम उसी प्रकार से जंबल वर्ड, ऑस्कर ए आर रहमान द अवार्डेड वॉज, ऐसा करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए आर रहमान वॉज अवार्डेड द ऑस्कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है आप लोगों का, ही केम यस्टरडे।
ठीक है, ऑलरेडी केम पास्ट फॉर्म में है, येस्टरडे पास्ट की बात कर रहे हैं, ही केम येस्टरडे। 11 नंबर, चूज द करेक्ट क्लॉज, क्लॉज सेलेक्ट करना है। आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश, आई एम नॉट श्योर हु विल टीच अस इंग्लिश, कौन पढ़ाएगा इंग्लिश, ठीक है, हु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12 नंबर में भी क्लॉज सेलेक्ट करना है। आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो वेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। 13 नंबर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यहाँ देखिएगा आप लोगों को टेंस सेलेक्ट करना है। ये देखिएगा नया इस प्रकार का आजकल यूज़ किया जाता है, देयर गोज द लॉस्ट बॉल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर, यू हैव डैश वेरी वीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म ग्रो ग्रीव ग्रोन, थर्ड फॉर्म बी थ्री। नेक्स्ट 14 के बाद 15, 15 के लिए देखिए आप लोगों का, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम 15 टू 17, यानी तीन क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, ठीक है, द लेबनम टॉप से रिलेटेड है ये पोएट्री। तो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो इस पोएट्री के जो लेखक हैं वो कौन है, तो इस पोएट्री के आपके लेखक हैं आप लोगों का टेड ह्यूजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ जितनी भी आप लोगों की पोएट्रीज है, 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, वो पोएट और पोएट्री का नाम ज़रूर याद रख लेंगे। ठीक है, 16 नंबर, द लेबनम ट्री टॉप इज, लेबनम ट्री का टॉप कैसा था, तो दैट इज़ क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट, जब तक वो गोल्ड फिंच नहीं आ गई थी। वट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, कैसा, आफ्टरनून, ठीक है। नेक्स्ट 18, हु इज़ द नरेटर ऑफ द एड्रेस, ठीक है, नरेटर और राइटर देखिए अंतर है, राइटर यानी जिसने वो कहानी लिखी, चैप्टर लिखा, और नरेटर यानी कहानी में वो कहानी कौन बता रहा है, कौन सुना रहा है, किसी को सुना रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो द एड्रेस जो था वो डॉटर ऑफ मिस्टर मिसेस एस एस, मिस्टर एस जो थी ये इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था, और डेथ होने के बाद जो इसकी बेटी थी वो जाती है अपने बिलोंगिंग्स को, अपने सामान बर्तन वगैरह ये सब को देखने के लिए मिसेस डोरलिंग के वहाँ, ठीक है, इसके पास जाती है। तो वो कहानी कौन बता रही है, वही जो छोटी सी बच्ची थी मिसेस एस की जो बेटी थी वो कहानी बताती, वही नैरेटर है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 19, ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज ए वेरी डैश लेडी, तो ग्रैंड मदर कैसा लेडी थी, रिलीजियस धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी उन्हें दर्शाया गया है। नंबर 20, हु वॉज हॉवर्ड कार्टर, हॉवर्ड कार्टर कौन था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, जो पुराने समय का प्राचीन काल का खुदाई उदाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे ही आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है, तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर। नेक्स्ट 21, वट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, इस कविता में कार्डबोर्ड क्या दर्शा रहा है, तो ए पिक्चर दर्शा रहा है, ठीक है। 22, वट वॉज द पर्पज़ बिहाइंड स्टीलिंग ऑफ हॉर्स बाई एरम, एरम के द्वारा घोड़े को चुराने का क्या पर्पज़ बताया जा रहा है, मकसद क्या है, तो दैट इज़ फॉर ए राइट, ठीक है, ये क्योंकि छोटे बच्चे थे उन लोगों को मतलब घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था, तो इसीलिए फॉर ए राइट। नेक्स्ट 23, वेन वॉज टुट्स टॉम डिस्कवर्ड, टुट के जो टॉम था उसका जो कब्र था उसकी कब खोज की गई, तो उसकी खोज की गई आपका 1922, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24, हु वेर द टू क्रियोमैन, ठीक है, समुद्री यात्रा पर जो गए थे उसमें दो क्रियोमैन यानी नाविक जहाज चलाने वाले कप्तान वगैरह कौन थे, तो ये थे आपके लैरी विजिल और हर्ब सीजलर, ठीक है, ये दोनों लेखक उसकी पत्नी बच्चे और बेटी के साथ गए थे, लैरी विजिल एंड हर्ब सीजलर। 25, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रैक्ट और अनरैक्ट मीन्स, ये जो कविता है वॉइस ऑफ द रेन इसमें रैक्ट और अनरैक्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड, ठीक है, यानी आपने नोटिस किया देखा या फिर अनजान बने रहे, इसी का मीनिंग है रैक्ट और अनरैक्ट। 26, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, दोपहर में दादी माँ क्या करती है, तो फीड द स्पैरोज, गोरैया पक्षी जो छोटी छोटी पक्षी थी उन लोगों को रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के खिलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज गारोगलानियन फैमिली फेमस फॉर, एरम और मुराद की जो फैमिली थी वो गारोगलानियन ट्राइब से बिलोंग करते थे, गारोगलानियन जनजाति से, जो फेमस थी आप लोगों का ऑनेस्टी, ए या फिर और एक ऑप्शन है आपका आपका ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ईमानदारी और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। 28, हु वेर बिटी एंड डॉली, बिटी और डॉली कौन थे, तो कजिन्स ऑफ पोएट्स मदर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी लेखक की जो माँ थे उनकी चचेरी ममेरी
फुफेरी बहन लोग थी, ठीक है, उसकी मम्मी की बहन लोग थी। 28 हो गया। नेक्स्ट 29, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी। गंगाधर पंत जो थे वे कहाँ से अपनी यात्रा शुरू किए, तो वो शुरू किए पुणे से शुरू किए, ठीक है। 30 वॉज द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, ठीक है। पावरफुल जो ये मिस्र के ये साम्राज्य था उसका अंतिम उत्तराधिकारी था, लास्ट एयर, ठीक है, एयर यानी उत्तराधिकारी कौन था, किंग टूट था, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। 31, हु अकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, लेखक के साथ जो उसने विश्व की यात्रा करने के सोचा जहाज के जरिए पानी में, तो उसमें कौन कौन उसके साथ था, उसकी वाइफ मैरी, उसका डॉटर सुजाने, और या फिर उसका जो बेटा था जोनाथन, या फिर सभी। तो राइट आंसर, इनमें से सभी कोई गए थे उस यात्रा में, और साथ ही साथ हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा दो क्र्यूमैन थे, लैरी और हर्ब सीजलर, वो भी गए थे, ठीक है। 32, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शिर्ले टॉल्सन। 33, मिसेस फिट्जेरल्ड सजेस्टेड एक्सचेंज ऑफ, मिसेस फिट्जेरल्ड जो है और मिसेस पियर्सन, ये दोनों अपने आप में क्या एक्सचेंज करते हैं, ड्रेस, हाउस, बुक्स, ये सब, या पर्सनैलिटीज़। राइट आंसर पर्सनैलिटीज़, यानी मिसेस फिट्जेरल्ड जैसी बोल्ड थी वैसी मिसेस पियर्सन बन जाती, और मिसेस पियर्सन जैसी कमज़ोर डरी सहमी सी थी वैसी मिसेस फिट्जेरल्ड हो जाती, तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज़ में एक्सचेंज किया था। 34, कार्टर फाउंड द ममीफाइड बॉडी सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द गोल्ड कॉफिन, सोने के ताबूत में, ठीक है। 35, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज ए फिजिसिस्ट नहीं थे, केमिस्ट नहीं थे, मेटलर्जिस्ट नहीं थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये लास्ट वाला, दैट इज नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो राजेंद्र देशपांडे थे वो क्या थे, आप लोगों का हिस्टोरियन थे, ठीक है, यानी इतिहास के प्रोफेसर थे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ हिस्ट्री कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 36, ग्रैंड मदर वेंट टू द स्कूल विद द नरेटर बिकॉज, दादी माँ जो लेखक के साथ स्कूल जाया करती थी क्यों जाती थी, ठीक है। शी वॉज वरीड अबाउट द नरेटर, वो लेखक के प्रति चिंतित थी, शी हैड नो वर्क टू डू, उसको कोई काम नहीं था। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, देयर वेयर मैनी डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। ऐसे देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि लेखक का स्कूल जो है वो मंदिर से सटा हुआ था, ठीक है। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और उससे क्या होता था, उसको लेखक का जो है साथ भी मिल जाता था, और साथ ही साथ वो मंदिर में अपना कुछ कुछ मंत्र उंतर भी पढ़ लिया करती थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। 37, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज़, ठीक है, मिसेस पियर्सन का हस्बैंड का क्या नाम था, तो जॉर्ज पियर्सन, ठीक है, जॉर्ज पियर्सन था, और उसे क्लब में जाते थे लोग, उसे चिढ़ाया करते थे, बूढ़ा था, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन करके बुलाया करते थे, ठीक है। जॉर्ज हु वॉज जॉन बैरो, जॉन बैरो जिसका घोड़ा एरम और मुराद लोग सवारी करने के लिए लिया था, तो कौन था, जॉन बैरो एक किसान था, ठीक है। 39, द ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट डिनोट्स, ट्री जो है ट्रेम्बल, कांप रहा है, ठीक है, पूरा एकदम हिल रहा है, तो उस ये क्या दर्शा रहा है, तो इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड द लास्ट 40, व्हेन डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लेखक जो है गॉर्डन कुक ये आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए कब अपनी यात्रा शुरू करता है, तो ये शुरू करता है जुलाई 1976 में, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 40 इंपॉर्टेंट MCQs SA1 एग्जामिनेशन के क्लास 1 इंग्लिश स्कोर। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी वीडियोस लाएंगे, और इन क्वेश्चंस को आप लोग बेस मान लीजिए, और इसी आधार पर आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की संभावना है। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविज पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।